300,000 इंटू 1.1 रेस टू पावर जीरो, कितना जंप लगाना है? कोई जंप नहीं लगाना, तो बात एक ही हो गई। और ये नेगेटिव साइन आउटफ्लो क्या शो कर रहा है? इसका मतलब है ऐसे हो गया माइनस 300,000, ये आपने कैलकुलेटर पर लिखना शुरू किया, आप प्लस 50,000 इंटू 1.1 रेस टू पावर माइनस वन प्लस 75,000 इंटू 1.1 रेस टू पावर माइनस टू प्लस 100,000 इंटू 1.1 रेस टू पावर माइनस थ्री प्लस 150,000 इंटू 1.1 रेस टू पावर माइनस फोर प्लस 200,000 इंटू 1.1 रेस टू पावर माइनस, इसका कैलकुलेटर पे आंसर ले लें तो ये क्या निकल आएगा हमारे पास? नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगा, ठीक है ना। इसी बात को मैं आपको चलें पहले यहां लिख कर दिखाता हूं। ये वही एग्जाम्पल मैंने दोबारा यहां ले ली, ये मैंने वही सारा कुछ आपके सामने लिख दिया। 300,000 नेगेटिव में आ गया, इसके साथ अगर लिखता भी तो रेस टू पावर जीरो लिखना था या ना लिखें एक ही बात है, लेकिन ये सहूलत, ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ टी जीरो पर पड़ी हुई फिगर के लिए है। ये आउटफ्लो की वजह से नहीं ऐसा हो रहा, टी जीरो की वजह से ऐसा हो रहा, ये भी याद रखिए। बाकी तमाम को हमें वन फिगर पीछे लाना पड़ रहा था तो आपने ऐसे लिख दिया। तो जरा देखिए जी, हम जरा कैलकुलेटर से इसका आंसर ले लेते हैं। माइनस 300,000 प्लस 50,000 इंटू 1.1 रेस टू पावर माइनस वन प्लस 75,000 इंटू 1.1 रेस टू पावर माइनस टू, ठीक हो गया ना बात? इस तरह आपने इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेना है। ओके, चले मैं एक बात और एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं भी सॉल्व भी कर देता हूं आपको। प्लस सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो आपके पास आंसर आ गया जी, इस सारे का आंसर आ गया। मैं आपको एक बात और एक्सप्लेन कर दूंगा। 109,205, चलिए हम इसको सिक्स कर देते हैं। 109,206 रुपये आंसर आ गया। अब जरा पहले आप ना, इसको हम कह रहे हैं ये एनपीवी है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। हम आम जिंदगी में अगर बात करते तो जरा गौर करें, हमें कितने पैसे आपने रिसीव किए हैं? इसको इनफ्लोज को ऐड कर लीजिए, कितना हो गया जी ये? 5.5 लाख रुपया, 5,50,000, इन सब का सम कर लेना, इन सब का सम कर लें। 50,000 प्लस 75,000 प्लस 100,000 प्लस 150 प्लस 200, ये आ गया जी 575,000, 5,75,000। आपने पैसा लगाया कितना था? एक आम इंसान कैसे सोच रहा होगा 3 लाख माइनस कर दें, माइनस 300,000। एक आम इंसान कह रहा है कि यार ये बिजनेस मैंने किया था और मैंने 2,75,000 रुपया कमाया है 5 सालों में, 3 लाख लगाया था
575,000 आया आपको, इसका मतलब है आपने 275,000 275,000 रुपीज़ आपने अर्न किए हैं एक आम लेमैन शख्स की लैंग्वेज में। शायद अकाउंट्स की लैंग्वेज में भी ऐसा ही है, लेकिन फाइनेंस ये कहती है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। आपने आपके पास घर में जो कैश आया है, जो आपके बैंक में अमाउंट आई, वो 275,000 ही आई है, लेकिन फाइनेंस कह रही है कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि इस 275,000 के दो हिस्से बनाए। 275,000 में से ये माइनस कर दें प्रेजेंट वैल्यू 109,206, 165,794, और दूसरा है 109,206, ये एनपीवी है। फाइनेंस हमें बता रही है यस आपने 275,000 कमाए हैं, लेकिन बिजनेस से 109,206 अर्न किया। फिर ये कहां से आया, ये कहता है ये वो शॉप की तरह टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, जैसे आप शॉप में बिजनेस ना करते तो रेंट पर दे देते तो रेंट आपको आ जाता, इसी तरह अगर आप ये बिजनेस ना करते और ये 300,000 रुपीज बैंक में इन्वेस्ट कर देते, कारोबार ना करते, रिस्क ना लेते, रिस्क फ्री होकर किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट में कहीं पैसे रख देते, तो इतने पैसे तो आपको वहां से ही आ जाने थे। बात समझ रहे हैं मेरे, इतने पैसे तो वहां से आ जाने थे। फिर कारोबार करने से, ये बिजनेस करने से हमने क्या कमाया, ये कमाया। एनपीवी इज द रियल प्रॉफिट ऑफ यूर बिजनेस, लिखें ये लाइन, एनपीवी इज द रियल प्रॉफिट फ्रॉम योर बिजनेस। इसको और एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे कह दीजिए, एनपीवी इज द रियल प्रॉफिट ऑफ योर बिजनेस एक्सक्लूडिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी किसको कहते हैं, इंटरेस्ट को कहते हैं, कि इंटरेस्ट का एलिमेंट निकाल कर जो हमने कमाया है ना, 275,000 हमने कमाए हैं बट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी अगर हम ये पैसा बैंक में रखवा देते तो 165,794 तो हमें वहां से आ जाना था ना, वो हमने माइनस किया उसी शॉप की तरह से, इसीलिए मैंने वो शॉप वाली एग्जांपल आपको शुरू में दी। दिस इज कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू। बड़ा सिंपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा रहे हैं आप, जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हुए आ रहे थे। और क्या हुआ देखिए, द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लो। बात समझ आ गई। सो हम एनपीवी, पहली बात है हमने एनपीवी कैलकुलेट कर लिया जी, ये आ गई 109। फिर इसके बाद हम कहते हैं यार एनपीवी तो हमने कैलकुलेट कर लिया, एनपीवी का हमने क्या करना है। ये असल में जब कभी आप आगे जाएंगे सीए में, फाइनल तक ये टॉपिक चलेगा आपका, यहां बुनियाद इसकी पड़ गई है लेकिन ये फाइनल तक चलेगा। एनपीवी क्या करता है, एक बुनियाद प्रोवाइड करता है, किसकी, डिसीजन मेकिंग की। मैंने देखना हो कि यार ये कारोबार मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं आपको जरा दोबारा वापस ले जाता हूं, कहां पर, आपकी शॉप वाली एग्जांपल पर जरा वापस आ जाइए जी, शॉप पर वापस आ जाइए। हमने कहा था ये आपके पास एक शॉप है जिसका रेंट 50,000 है, अगर आप रेंट पर दे दें तो। आपने इस महीने में 75,000 बिजनेस से कमाया है, 50,000 अगर रेंट निकाल भी दें तो 25,000 हमने कहां से कमाया, बिजनेस से कमाया। लेकिन अगर सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट हो, मैं कहूं जी मैंने 35,000 रुपीज बिजनेस से अर्न किए हैं और मैं बड़ा खुश आया था घर, घर में फादर ने आते ही कहा नहीं बेटा ये तो हमें उल्टा नुकसान हो गया है। मैंने कहा सर पापा कैसे नुकसान हो गया है। मैंने कहा बेटा अगर हम ये बिजनेस ना करते तो हमें 50,000 रुपीज आते, अब हमने बिजनेस भी किया सारा कुछ किया और हमें 15,000 अमाउंट लेस आई है, तो उल्टा नुकसान हो गया ना। इसका मतलब है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए, ठीक है ना। इसका रियल इनसाइट आगे चलेंगे तो आप फाइनेंस जैसे जैसे पढ़ेंगे तो समझ, ये जो नेट आ रहा है ना रेंट निकालने के बाद जो प्रॉफिट है,
इसको हम एनपीवी बोल रहे हैं। अगर ये पॉजिटिव आए, मुस्बत आए, तो इसका मतलब है हमारा प्रोजेक्ट ठीक है, हमें फायदा हो रहा है। चलें कम हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है ना, फायदा हो रहा है। लेकिन अगर ये नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब है ये काम करके हमें उल्टा नुकसान हो गया। इससे बेहतर था कि हम शॉप को रेंट पर दे देते। सिमिलरली जब तक एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट पॉजिटिव आती चली जाए, जब तक हम कहते हैं अच्छा चलें ठीक है, ये काम करने से हमें कुछ पैसे आ ही रहे हैं, फायदा ही हो रहा है। लेकिन जिस दिन ये नेगेटिव हो जाए, तो वही मतलब है कि इससे बेहतर है कि ये कारोबार ना किया जाए, ये वाला पैसा उठाकर कहां लगा दिया जाए, किसी बिजनेस में लगा दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ, हम कह सकते हैं कि जब एनपीवी पॉजिटिव हो, देखिए मैं क्या लिखने लगा हूं, इसको नोट कर लें, एनपीवी अगर पॉजिटिव है तो हमें प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए, एनपीवी अगर नेगेटिव हो गई है तो हमें इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एनपीवी अगर जीरो हो गई है तो फिर हम इनडिफरेंट हैं, प्रोजेक्ट करें या ना करें फाइनेंशियली हमें कोई फायदा नहीं होगा। कोई शॉप वाली एग्जांपल को ध्यान में रखें, अगर बिजनेस करके भी एग्जैक्टली 50,000 ही आए तो एक राय घर में ये भी डिस्कस हो सकती है ना कि यार इससे अच्छा शॉप को बंद करें, सारा दिन आराम से जिंदगी एंजॉय करें, रेंट आएगा वो भी 50,000 ही आएगा। कोई दूसरा घर में बोल सकता है कि नहीं नहीं यार, कम से कम हमारा एक बिजनेस एस्टैब्लिश हो रहा है, हमारी एक जगह चल रही है, कोई बात नहीं, पैसे नहीं भी आ रहे हमें नुकसान तो नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं यार, हमने फारिग भी तो रहना है। तो इसको हम कहते हैं वी आर इनडिफरेंट, फाइनेंशियल ग्राउंड बराबर है, उधर से भी 50,000 ही आने, हाँ नॉन फाइनेंशियल बातें बहुत सारी हैं। फाइनेंशियल का मतलब होता है पैसे की बुनियाद पर डिसीजन, फाइनेंशियल ग्राउंड्स, फायदा किधर से हो रहा है, फायदा इन टर्म्स ऑफ मनी, कहता जी इधर से भी 50,000 आएंगे, इधर से भी 50,000 आएंगे, तो फाइनेंशियल ग्राउंड पर तो दोनों बातें बराबर हो गई। नाउ देयर आर सम नॉन फाइनेंशियल चीजें जिनको हम जिंदगी में सामने रखते हैं, मतलब हो सकता है घर वाले सोचें कि यार चलो इस बहाने हमारा बच्चा जरा किसी काम लगा हुआ है, सुबह उठता है जाता है कारोबार पे जाता है, इसको कुछ लर्निंग कर रहा है, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर। कोई और भी बहुत सारी रीजन हो सकते हैं। तो हमेशा जिंदगी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल के दरमियान में चल रही होती है। फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब होता है चीज सस्ती कौन सी है अगर खरीदने जा रहे हैं तो, जैसे जब हमने वो मशीन का डिसीजन लिया था ना चॉइस ऑफ एसेट में प्रेजेंट वैल्यू से, हमने कहा था जिसकी जहां खर्चा कम है वो मशीन ले लेंगे। लेकिन जिंदगी में हम हमेशा हर डिसीजन सिर्फ फाइनेंशियल ग्राउंड पर नहीं लेते। जब आप शर्ट परचेज करने जाते हैं तो जो सबसे सस्ती होती है वो नहीं खरीदते, बल्कि आप उसमें अपनी चॉइस को भी अहमियत देते हैं। आप कहते हैं यार ये सस्ती जरूर है लेकिन ये कलर अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मुझे ये वाला अच्छा है, चलो थोड़ी महंगी है लेकिन मुझे पसंद तो ये आ रही है। तो कहीं इंसान की अपनी शख्सियत, तो उसकी पसंद, उसकी नापसंद और बहुत सारी चीज़ों का भी तो अमल दखल है ना। तो इसलिए सिर्फ चीप ऑप्शन को हम हमेशा चूज नहीं करते होते, तो इसलिए कुछ और हो सकता है। लेकिन ये सारी बातें कहाँ आएंगी, जब जीरो आएगा। जब जीरो नहीं आया ना, फिर पॉजिटिव है तो हम हमेशा कहेंगे प्रोजेक्ट कर लें, नेगेटिव है तो हम हमेशा कह रहे होंगे प्रोजेक्ट को ना करें, क्योंकि ये एक डिसीजन मेकिंग का टूल है। एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट का मतलब हम यहां ये नेट क्यों यूज करें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव को नेट ऑफ करने की वजह से, दोनों के प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ना और फिर हमने उसे नेट ऑफ करना है, इसलिए लफ्ज क्या लग गया है, नेट प्रेजेंट वैल्यू लग गया। अच्छा जी चलिए एक और सवाल आ गया जी हमारे सामने, जस्ट फॉर प्रैक्टिस परपजेस, बाकी तो चीजें तो वही आ रही हैं। अभी हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जी, एक कारोबार शुरू किया आपने, जिसमें आज आपने 500,000 5,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया, आउटफ्लो, क्योंकि जब पैसा आपसे जा रहा है तो हम उसको क्या कह रहे हैं, आउटफ्लो कह रहे हैं उसको। ईयर 1, 2, 3, 4 में, ईयर 1 में 50,000, फिर 100,000, फिर 200,000, फिर 400,000 एंड 300,000, ये पैसा हमारे पास आया है। 5 साल का ही प्रोजेक्ट था, बस 5 साल के बाद प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा।
जो टोटल कैश हमारे से गया वो 500,000 गया, जो टोटल कैश आया वो ये है सब कुछ। हत्ता कि आखिरी साल में हो सकता है आपने कोई मशीन खरीदी हो, वो भी बिक गई है, वो कैश भी इसी के अंदर आ गया, ये टोटल नेट कैश आ रहा है। एग्जामिनर कहता है बताइए अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी 10% हो तो बताइए क्या ये प्रोजेक्ट करना चाहिए। इसका मतलब है क्या करें, एनपीवी कैलकुलेट करें। एनपीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले ये 5,00,000 माइनस में मैंने लिख दिया, ठीक है ना, फिर इस फिगर को कहां ले जाना है, 10 पर, 1 पर पड़ी है, माइनस 1, इसका मतलब है 50,000 इंटू 1.1 रेस टू पावर माइनस 1। अच्छा, इतने हिस्से के आंसर को, ये आगे भी चले मैं कभी बात आपसे करूंगा, इतने हिस्से के आंसर को अगर आप कैलकुलेटर पर लिखें 1.1 रेस टू पावर माइनस 1 और इसका आंसर लें, चले मैं लेकर दिखाता हूं आपको, 1.1 रेस टू पावर माइनस 1 तो आंसर आ रहा है मेरे पास 0.909। इस इतने आंसर के लिए हम एक और टर्म भी यूज करते हैं, लेकिन अब हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर आ गए हैं इसलिए ये टर्म ज्यादा अब यूज नहीं हो रही होती, हम इसे भूल गए हैं, वरना इतने हिस्से के आंसर को हम कहते थे डिस्काउंट फैक्टर। क्या कहते थे, डिस्काउंट फैक्टर। चलिए चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड ईयर में 100,000 1,00,000 रुपए आया तो प्लस 100,000 इंटू 1.1 रेस टू पावर माइनस 2, अगर मैं इतने हिस्से का आंसर लूं तो ये डिस्काउंट फैक्टर कहलाएगा, ये ईयर 2 का डिस्काउंट फैक्टर है, ये ईयर 1 का डिस्काउंट फैक्टर है, फिर ईयर 3 200,000 इंटू ये डिस्काउंट फैक्टर है। आपको जरूरत नहीं है इसकी, मैं ऐसे समझा रहा हूं कहीं आपको नजर आ जाए तो, लिखा हुआ आप कहें सर ने बताया ही नहीं, ये इसका डिस्काउंट फैक्टर है, ये इसका डिस्काउंट। 5 साल पूरे हो गए, इस सारे को उठाकर कैलकुलेटर पर लिखिए, निकालिए, करें, सॉल्व करें, शाबाश। शाबाश लिखें कैलकुलेटर। तो ये जो आंसर आया ये पॉजिटिव है तो हमें ये प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए, ये नेगेटिव आ गया है तो हमें ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए, और अगर ये 0 आ गया है तो फिर आप कर लें तब भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है, दोनों एस्पेक्ट इस पे ठीक हो गए। ओके चलिए जी आगे एक और सवाल ले लेते हैं। मैंने एक और बिजनेस लिया, मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं, अभी तक मैंने 3 एग्जाम्पल ली, तीनों के अंदर मैंने T0 पर इन्वेस्टमेंट जारी। अब जरा गौर करें, इस प्रोजेक्ट की तरफ आइए जी, मैं एक कारोबार शुरू करने लगा हूं जिसमें आज टुडे T0 पर 5,00,000 रुपया मुझे लगाना पड़ेगा। ये कोई कारोबार थोड़ा, शायद मैंने कोई जगह खरीदी है, शायद कोई फैक्ट्री बनानी शुरू की है, शायद कोई छोटी सी शॉप बनानी शुरू की है, फिर 1 साल के बाद अभी मुझे 50,000 और लगाना पड़ेगा। जरा गौर करें, T0 पर भी आउटफ्लो, 1 पर भी आउटफ्लो, ओके, T2 पर जाकर 1,00,000 रुपया हमने कमाया, फिर 3 पर हमने 200,000 टर्न किया, फिर 4 पर हमने 400,000 टर्न किया, फिर 5 पर हमने 300,000 टर्न किया और प्रोजेक्ट खत्म हो गया। चेंज क्या आई है, चेंज क्या आई है, चेंज ये आई है कि इस मर्तबा 2 जगह पर कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा था आउटफ्लो की भी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, इनफ्लो की भी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। पहले हम T0 की प्रेजेंट वैल्यू नहीं ले रहे थे क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू तो कहते ही T0 को है। तो अब मैंने क्या किया, देखिए 500,000 तो उसी तरह लिख दिया जैसे लिख रहा था, लेकिन इस 50,000 अगरचे ये आउटफ्लो है, इसके आउटफ्लो होने की वजह से मैंने यहां नेगेटिव लगा दिया साइन, ये नेगेटिव लगा दिया, बात समझ रहे हैं, क्योंकि आउटफ्लो है ना, हर आउटफ्लो के साथ नेगेटिव है, इसके साथ भी नेगेटिव लिखा हुआ। आप ऐसे भी लिख सकते थे माइनस 50,000, 500,000,
माइनस 50,000, लेकिन अब इसके साथ क्या आ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर आ रहा है ना, क्योंकि मुझे इसे जीरो पर लाना है और ये पड़ी हुई फिगर कहाँ है, वन पर पड़ी हुई है। इनफ्लो आउटफ्लो का कोई ताल्लुक नहीं है, क्या है इनफ्लो हो क्या है आउटफ्लो, अगर उसे जीरो पर लाना है तो तरीका तो एक ही है हमारे पास, वन प्लस आर पी रेस टू पावर माइनस एन, जिसे डिस्काउंट फैक्टर कह रहे हैं। माइनस इसलिए आया कि ये आउटफ्लो था, अब इनफ्लो शुरू हो गए, 100,000 इंटू 1.1 रेस टू पावर माइनस टू प्लस 200,000 इंटू माइनस थ्री प्लस 400,000 प्लस दिस। मेरी बात समझ गए कि नहीं जी, क्लियर हुई है कि कुछ नहीं समझ आया? निकालिए कैलकुलेटर, क्या लिखूं जी, माइनस 500,000 माइनस 50,000 इंटू 1.1 रेस टू पावर माइनस वन, कर्सर से नीचे लाने के बाद फिर प्लस, अब प्लस क्यों आ रहा है, इनफ्लो स्टार्ट हो गया, पहले माइनस क्यों आ रहा था, आउटफ्लो हो रहा था, जब कैश हमारे से जा रहा है तो माइनस लिख रहे हैं, जब आ रहा है तो प्लस लिख रहे हैं, प्लस 100,000 इंटू 1.1 रेस टू पावर माइनस टू, कर्सर से नीचे प्लस 200,000 इंटू 1.1 रेस टू पावर माइनस थ्री, कर्सर से नीचे लाकर प्लस 400,000 इंटू 1.1 रेस टू पावर माइनस फोर प्लस 300,000 इंटू 1.1 रेस टू पावर माइनस फाइव इक्वल टू, आंसर आ गया जी 146,934। अच्छा, इस आंसर में अभी एक चांस है ना, मैं यहाँ खड़े होके कर रहा हूँ, हो सकता है कहीं कैलकुलेटर में मेरे से गलती हो जाए, एरर हो जाए, हम कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं, आंसर तो आपने लेना है, अगर इस फिगर का आंसर कुछ और आता है तो यकीनन वही ठीक है ना। आप परेशान होके समटाइम किसी जगह कोई एरर हो गया तो आप व्हाट्सएप में मुझसे पूछना शुरू कर देते हैं, सर ये आंसर नहीं आपके पास, हम ये सारी फिगर लिखी हुई है ना भाई, अगर इन सबका आंसर 1,50,000 रुपया आपका कैलकुलेटर दे रहा है और आपने दोबारा भी करके देख लिया तो ओके ऑब्वियसली वही आंसर है, मेरे से भी तो गलती हो सकती है ना, क्योंकि यहां मेरा सारा फोकस किस पे, आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करने पे है, तो समटाइम कैलकुलेटर से कोई एरर हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा सारे ही गलत हो गए। अच्छा जी, हमें एक बात समझ आ गई है, वो जो डेफिनेशन थी ना कि एनपीवी कहते किसको हैं, एनपीवी कहते किसको हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो के डिफरेंस को, तो डिफरेंस निकालने के लिए हमने क्या किया, हर आउटफ्लो को माइनस लिख रहे हैं और हर इनफ्लो को प्लस लिख रहे हैं, हर इनफ्लो को प्लस लिख रहे हैं, तो ये खुद ही डिफरेंस आ गया ना, द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। नहीं समझ आई, बोलिए। ओके, इसका मतलब है, जरा बतलाइए आप मुझे देख के, क्या ये बिजनेस हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सोचिए जरा, करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, अगर ये नेगेटिव आ जाती तो हम कहते जी ये बिजनेस बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये कारोबार में फाइनेंशियली बेनिफिट नहीं दे रहा, फाइनेंशियल ग्राउंड्स के ऊपर ये बिजनेस ठीक नहीं है, या पॉजिटिव आ गई है तो फाइनेंशियल ग्राउंड के ऊपर ये बिजनेस ठीक है, एनपीवी हमें यही करना सिखा रहा है। ओके,
एक और एग्जांपल ऐड कर देते हैं जी, इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए मैंने फिर एक पांच साल का, फाइव ईयर में इसलिए ले रहा हूं ताकि आपके कैलकुलेटर पे मैनेज हो जाए। अगर हम 10 ईयर्स लेंगे तो वो मैनेज नहीं होगा ना कैलकुलेटर पे, और एग्जाम में ऐसा बड़ा क्वेश्चन आएगा भी नहीं क्योंकि वहां भी 3 मार्क्स तक मैक्सिमम क्वेश्चन है। देखिए जी, एक बिजनेस हमने शुरू किया, आज 500,000 लगाने पड़ेंगे, अगले साल 50,000, उससे अगले साल 1 लाख और लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है कोई ऐसा बिजनेस शुरू हो रहा है जहां शायद 2-3 साल उसको इस्टेब्लिश करने में लगेंगे। चले यहां तो हम 2-2, 3-3 लाख की बातें करें ना। आप देखते हैं ना, कोई हॉस्पिटल बन रहा है तो 2-3 साल तक तो उसकी बिल्डिंग बन रही होती है, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री बन रही है, कोई बहुत बड़ा प्लाजा आपके वहां बन रहा है, कोई बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर आपके पास बन रहा है, ठीक है ना। तो आप देखते हैं ना कि कई साल उसकी बिल्डिंग बनती रहती है, तो क्या हो रहा होगा, पैसा लग रहा है, पैसा लग रहा है। अभी आ तो रहा ही नहीं, अभी तो वो फैक्ट्री बनी नहीं जिसमें पहले चीजें, फैक्ट्री बनेगी, फिर मशीन्स लगेंगी, फिर सब कुछ होगा, फिर प्रोडक्शन होगी, फिर चीजें सेल होंगी, फिर पैसे आने शुरू होंगे ना। तो अभी पैसा नहीं आ रहा, अब 3 साल तक पैसा लगा, इसका मतलब है ये प्रोजेक्ट पहले 2 साल कंप्लीट हुआ, आज पैसे लगे, फिर ईयर 1 के आखिर पर लगे, ईयर 2 के आखिर पर लगे, फिर 3रे साल में पैसे आने शुरू हुए, तो 3रे साल में 2 लाख रुपए आया, फिर 5 लाख आया, फिर 3 लाख आया। कोई बात नहीं, एनपीवी हमें क्या सिखा रही है कि ये जो आउटफ्लो है ना और जो इनफ्लो है, ये आउटफ्लो है रेड वाले मेरे, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, दोनों का डिफरेंस ले लें, तो हम कठाई डिफरेंस साथ ही लेना शुरू कर देते हैं। हमने उसूल क्या बना लिया, हमने उसूल बना लिया यार, जब भी नेगेटिव को लेकर चलेंगे, देखिए मैंने क्या लिखा, चले यहां लिखकर दिखाता हूं आपको, -500,000 माइनस क्यों, आउटफ्लो। अगर आपने लिखना हो पहले जीरो पर तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमें लिखना होता इनटू 1.1 raised to power 0 माइनस, माइनस क्यों, आउटफ्लो 50,000 इनटू 1.1 raised to power -1 माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि आउटफ्लो इनटू 1.1 raised to power -2 प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि इनफ्लो इंटू 1.1 raised to power -3 प्लस, प्लस क्यों, इनफ्लो की वजह से 500,000 इंटू 1.1 raised to power -4 प्लस 300,000 इंटू 1.1 raised to power -5 दैट्स इट। क्या ख्याल है जी, बात समझ आ रही है ना, NPV। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये काम, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो पीछे जाएं, कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि फॉरवर्ड कैसे जाते हैं, बैकवर्ड कैसे आते हैं, फॉरवर्ड कैसे जाते हैं, बैकवर्ड कैसे, दैट्स इट। तो अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो प्रोजेक्ट कर लीजिए, अगर नेगेटिव आ जाए तो हरगिज नहीं करना, अगर ज़ीरो आ जाए तो फिर अपनी मर्जी चला लेनी। ओके अच्छा, ये तो मैंने आपको जरा कॉन्सेप्ट देने के लिए ऐसे किया किया। पांच दफा एग्जामिनर, यही डाटा जो मैं ऐसे आपको हॉरिजेंटल लिख कर दे रहा था, एग्जामिनर इसको वर्टिकल लिख देगा। ये एक सवाल बनाता हूं मैं आपके सामने, देखिए जरा। वो कहता है जी ये 2 प्रोजेक्ट हैं, बताइए इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट हमें करना चाहिए, अगर एक करना हो तो कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए। साथ ही आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसको इंटरेस्ट रेट, वो कोई एक बता देगा, लेट्स अज्यूम वही 10% है। अब जरा गौर करें, एक आम इंसान की नजर से, एक अकाउंटेंट की नजर, ये जब आप आगे चलेंगे ना तो एक डिफरेंस नजर आएगा। एक अकाउंटेंट वो एक तरह सोचता है, एक फाइनेंस, अभी हम फाइनेंस पढ़ रहे हैं, फाइनेंस वाला बंदा थोड़ा और तरह सोचता है,
जरा देखिए प्रोजेक्ट ए पर नजर डालिए, 700,000 हमारा आज खर्च होगा, 7 लाख रुपया, और ईयर वन में 300,000, फिर 400,000, फिर 500,000, सबको ऐड कर लें तो कितना आंसर आ गया, 12 1.2 मिलियन। 7 लाख लगाकर 12 लाख आएगा, 5 लाख का प्रॉफिट है, ऐसे है ना, 5 लाख का प्रॉफिट है प्रोजेक्ट ए में। अगर हम अकाउंटेंट की नज़र से सोचे, आम इंसान की नज़र से सोचे, तो इस प्रोजेक्ट में 5 लाख का प्रॉफिट है। अगर इसमें देखें तो इसमें भी 5 लाख का ही प्रॉफिट है। देखें जरा, आज 7 लाख लगेगा, लेकिन ईयर वन में 5 लाख आएगा, फिर 4 लाख आएगा, फिर 3 लाख आएगा, लेकिन टोटल तो वही 12 लाख आएगा, प्रॉफिट तो वही 5 लाख हुआ। कौन सा प्रोजेक्ट करें, ए या बी? अब एक आम आदमी की नज़र से दोनों बराबर है, ए कर लें या बी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों में 5 लाख रुपया कमाने आपने, कितने अरसे में, 3 सालों में। लेकिन फाइनेंस करी कि नहीं, नहीं ऐसे नहीं है, वो कहते यार एनपीवी निकाल लें दोनों प्रोजेक्ट के। हम फाइनेंस में जब भी कहीं प्रॉफिट चेक करना पड़ जाए ना हमें, कि यार हमने प्रॉफिट चेक करना है, कितना प्रॉफिट हुआ है, वो कहता भाई एनपीवी निकालें, खत्म, छोड़ें सारा कुछ, एनपीवी निकालें, उससे पता चलेगा क्या करना है। तो आप दोनों प्रोजेक्ट की अलग अलग एनपीवी निकाल लें, ठीक है। प्रोजेक्ट ए की एनपीवी कैसे निकलेगी, मैंने लिखा जी, ए प्रोजेक्ट की एनपीवी कैसे निकलेगी, -700,000 आउटफ्लो की वजह से, +300,000 into 1.1 raised to power -1 +400,000 into 1.1 raised to power -2 +500,000 into 1.1 raised to power -3। चलें जी निकाल ही लेते हैं, -700,000 +300,000 into 1.1 raised to power -1 +400,000 into 1.1 raised to power -2 +500,000 into 1.1 raised to power -3। तो आंसर आ गया जनाब, -278,963। ठीक होगी बात जी, ओके। और दूसरे बी प्रोजेक्ट का प्रॉफिट निकालते हैं जी, वो कितना है, वहां भी -700,000 प्लस, लेकिन ये हो गया 5 लाख, क्योंकि वहां शुरू में पैसा ज्यादा आ रहा है, 1.1 raised to power -1 +400,000 into 1.1 raised to power -2 +300,000 into 1.1 raised to power -3। अच्छा जी निकालते हैं जी, 700,000 माइनस में 700,000 +500,000 into 1.1 raised to power -3 +400,000 into 1.1 raised to power -2 +300,000 into 1.1 raised to power -3। तो ये आंसर आ गया जी 3,10,518। तो कौन से प्रोजेक्ट से ज्यादा प्रॉफिट आया, ए से या बी से? बी से, हम बी करेंगे, ठीक है ना। बजाहिर दोनों से 3 सालों में 5 लाख ही प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन जरा गौर करें आप, आम जिंदगी में भी कॉमन सेंस से भी ऐसे करते, क्या ठीक है 5 लाख तो दोनों से आ रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट ए में पहले साल 3 लाख रुपया आएगा और बी में 5 लाख आएगा, तो जाहिर है फिर बी कर लेते हैं जहां ज्यादा पैसा पहले साल में आएगा। जब आने टोटल बराबर ही हैं और बी में जल्दी पैसे ज्यादा आ रहे हैं, तो कॉमन सेंस से भी हमें थोड़ा सा अट्रैक्ट करता, लेकिन
फाइनेंस कहता है कॉमन सेंस है या नहीं है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देख लें, वो खुद ही बता देगा कि कौन सा प्रोजेक्ट इनमें से बेटर है। तो प्रोजेक्ट बी इज बेटर। बहुत समझ आ गई। एक छोटी सी बात और करते हुए खत्म करते हैं बस। अब जरा गौर करें मैंने क्या किया। ये प्रोजेक्ट ए है, 7 लाख रुपए आज लगेगा, पहले साल 3 लाख, दूसरे साल 3 लाख, तीसरे साल 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। जरा गौर करें, पिछले नॉलेज को साथ ले आए, ये तो इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल हो गया। तो प्रेजेंट वैल्यू आसानी से भी निकल सकती है। आपका जी चाहे जैसे अभी हम पढ़ करें ऐसे ही निकालें, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं। 6 फिगर डालें कैलकुलेटर में, निकाल लें। लेकिन अगर एग्जामिनर ने ज़्यादा दे दी तो भाई एनविटी इसीलिए तो पढ़ रहे थे, एनविटी प्रेजेंट वैल्यू निकालने का ही तो तरीका था ना बच्चे, आसान मेथड था, जरा क्विक था। तो अगर मैं चाहूँ प्रोजेक्ट ए, जरा तवज्जो रखें मेरी तरफ, प्रोजेक्ट ए की एनपीवी निकालनी हो तो क्या कर सकता हूँ, -700,000, वही 10% रेट अज्यूम कर लेते हैं, 10%, ठीक है। प्लस आपका जी चाहे आगे 5 रेंटल लिख लें, नहीं तो एनविटी से भी तो प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी ना, 1 रेंटल लिखता हूं मैं, 300,000 इंटू 1 -1.1 raised to power -5 ओवर 0.1। क्या ख्याल है आपका? नहीं, यही तो सीख रहे थे पिछले 5, 6, 8 लेक्चर से, इजी हो गया है। जो बच्चा आसानी एंजॉय नहीं करना चाहता वो उसे लंबे तरीके से कर ले, पिछले तरीके से कर ले। यहां हमें एक एज मिल जो गई है, हम उसका फायदा उठाना चाहते हैं, इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, तो भाई इससे निकाल लेते हैं ना। प्रोजेक्ट बी को गौर करें, ये 4, 3 रेंटल एक जैसे और ये 2 एक जैसे। आप चाहें आंखें बंद करके पुराने तरीके पर ही चलें, नहीं आप कहते नहीं सर आंखें क्यों बंद करनी है, इतने दिन से फाइनेंस पढ़ रहे हैं, फाइनेंस ने ही तो हमारी आंखें खोली हैं, तो फिर आसान रास्ता चूज कीजिए, फिर क्यों परेशान है। क्या आसान रास्ता है सर? ये देखिए, ये कौन सी एनविटी है, ऑर्डिनरी एनविटी, कहां से चली, 1 से कहां तक चली, 3 तक। ये कौन सी एनविटी है, अगरचे छोटी सी एनविटी है, कहां से शुरू हुई, 4 से शुरू हुई, कहां खत्म हो गई, 5 पर खत्म हो गई। बात समझ आ रही है? ओके, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी आती है ना, डेफर्ड की भी आती है ना, तो निकाल लें, नहीं तो नॉर्मल वाला फार्मूला लगा लें। देखिए मैं एनविटी से करता हूं इसको सॉल्व। एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट बी इज इक्वल टू -700,000 प्लस आर 400,000 इंटू 1 -1.1 raised to power -3, क्योंकि 3 रेंटल हैं, ओवर 0.01, ये तो आ गई उसकी, प्लस डेफर्ड एनविटी 300,000 की प्रेजेंट वैल्यू 1 -1.1 raised to power -2 ओवर 0.1। ये 2 क्यों आया, रेंटल 2 हैं, इनटू इसका डी क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा ना, 1.1 raised to power -3। डेफर्ड एनविटी की प्रेजेंट वैल्यू के टाइम पर डी कैलकुलेट करते हैं ना। ये यहां तक तो मैनेजेबल है ना, लेकिन अगर वो 20 रेंटल दे देगा, 20 रेंटल दे देगा, तो मुश्किल हो जाएगी। एनविटी से घबराना कोई नहीं, हमने 1 by 1 एनविटी को तैयार करें। एक दफा ऑर्डिनरी आपने कर ली, फिर ड्यू कर ली, फिर डेफर्ड कर ली, 3 दिन की बात है, एनविटी पे आपका बिल्कुल ऐसे ग्रीप एक दफा आ जाएगी अल्लाह ने चाहा तो। इसलिए बिल्कुल आपने नहीं इसको लेकर चलना, टेंशन में नहीं आना, इसी से हमने चलना है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट आपने लिया कि एनपीवी किसको कहते हैं, 2 चीजों की प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, किसकी, कैश आउटफ्लो की, कैश इनफ्लो की। आउटफ्लो को नेगेटिव रख लिया, इनफ्लो को पॉजिटिव कर लिया, दोनों का नेट रिजल्ट लिया। अगर एनपीवी पॉजिटिव आ गई तो प्रोजेक्ट कर लें, अगर नेगेटिव आ गई तो प्रोजेक्ट को छोड़ दें।
और अगर दो प्रोजेक्ट हैं एक करना है तो जिसकी ज्यादा पॉजिटिव है, जहां से ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है उस प्रोजेक्ट को कर लें। तो एनपीवी एक हमारा इन्वेस्टमेंट, इसको हम आगे जाके ना बड़े कोर्सेज में आप जाके पढ़ेंगे जब इसको, इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, डिसीजन मेकिंग की टेक्निक, कि डिसीजन लेना है ये प्रोजेक्ट ए करूं या बी करूं। तो एनपीवी एक तरीका है और बहुत सारा कुछ सीखेंगे इस प्रोफेशन में, ये एक उनमें से मेथड है जो आपको बता रहा है कि अब क्या करना चाहिए, इस वक्त आपको क्या करना है, ए करें या बी करें, तो आप एनपीवी दोनों के निकाल। आसान टेक्निक है, अब कुछ हम नया नहीं सीख रहे फाइनेंस में, अब कुछ नया नहीं सीखना, जो ऑलरेडी सीखा हुआ है उनके टूल से हम सारा काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला यहां से आगे कल मुलाकात होगी, यहां तक के काम को आप कीजिए, ग्रिप में लाइए और इंशाल्लाह ताला यहां से फर्दर आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।